हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी कविता सीखेंगे? टीवी, जो कि हम सब लोग देखते हैं और हम सबको टीवी देखना बहुत पसंद होता है। और टीवी से क्या होता है बेटा, हमें हर तरह की न्यूज़ सब कुछ हमें टीवी के थ्रू पता चल जाता है कि दुनिया में हमारे क्या चल रहा है ना। आजकल कहीं भी कुछ भी घटता है तो वो न्यूज़ तुरंत हमको टीवी पर मिल जाती है। पेपर में भी आती है बेटा, बट पेपर में अगर आज की न्यूज़ है तो वो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलेगी, क्योंकि वो उसमें प्रिंट होती है। फिर वो हमको नेक्स्ट डे पेपर जब मिलेगा तब हम उसको पढ़ पाएंगे। बट टीवी एक ऐसा साधन है जिस पे जो चीज़ घटित होती है उसकी न्यूज़ तुरंत हमको टीवी पर मिलती है। और हमें क्या करना होता है, बस हमने एक स्विच ऑन करना होता है और हमको सारी चीज़ें सामने होती हैं। हम जो देखना चाहते हैं उस पे हमें शिक्षा की चीज़ें, आपकी स्टडीज़ से रिगार्डिंग भी चीज़ें होती हैं बेटा, आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें होती हैं, आपको अपनी बॉडी फिट रखने के लिए भी चैनल्स हैं। तो सभी कुछ हमको टीवी के थ्रू पता चलता है और हम जो चीज़ देखना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कैसी चीज़ें देखनी चाहिए जो हमको फ़ायदा पहुँचाएँ, जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, सो सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज़ हंसाता टीवी। सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज़ हंसाता टीवी। मनोरंजन है शिक्षा भी, दुनिया से मिलवाता टीवी। मनोरंजन है शिक्षा भी, दुनिया से मिलवाता टीवी। ताज़ा खबरें लाता टीवी, पापा को भी भाता टीवी। ताज़ा खबरें लाता टीवी, पापा को भी भाता टीवी। ठीक है, तो क्या बता रहा है, देखो सबका दिल बहलाता है क्योंकि आपको टीवी पर हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, और उस पर क्या है, देखो मनोरंजन भी है और शिक्षा भी है। अगर हम कोई चीज़ से क्या, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स या मूवीज़ होती हैं बेटा जिनसे काफ़ी सारी शिक्षा हमको मिलती, काफ़ी सारी मॉरल स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिन पर मूवीज़ बनती हैं, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बेटा डिपेंड अप टू अस कि हम पर ये क्या कहते हैं, निर्भर है कि हम कैसी चीज़ें सीखें और हम कैसी चीज़ें देखें। और देखिए वो मनोरंजन भी कराता है हमको, ठीक है, हमारा मूड भी फ्रेश करता है। अगर आप बहुत थके हैं और आप कोई कॉमेडी वाला सीरियल देखोगे तो क्या होगा, आपका मूड फ्रेश होगा क्योंकि आप बहुत हंसोगे और हंसना सबसे अच्छी औषधि होती है। ठीक है, तो आपका मूड जब फ्रेश हो गया तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी काम अच्छे मूड से कर सकते हो। ठीक है, और दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे भी हमें कौन मिलवाता है, टीवी मिलवाता है। और ताज़ी खबरें भी हमें कौन देता है, सबसे पहले हमें टीवी के थ्रू ही ताज़ी खबरें मिलती हैं। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा, जैसे ही पापा लोग ऑफिस से आते तुरंत टीवी ऑन करते हैं और न्यूज़ देखना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिन भर तो ऑफिस में रहते हैं, दिन भर वहाँ का काम करते तो उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही घर आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्योंकि आपको आपके सराउंडिंग्स में, आपको चारों तरफ आपके वर्ल्ड में, आपकी देश में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की भी खबरें हम सबको होना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज़ हंसाता टीवी। मनोरंजन है शिक्षा भी, दुनिया से मिलवाता टीवी। ताज़ा खबरें लाता टीवी, पापा को भी भाता टीवी। एक बार और, सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज़ हंसाता टीवी। मनोरंजन है शिक्षा भी, दुनिया से मिलवाता टीवी। ताज़ा खबरें लाता टीवी, पापा को भी भाता टीवी। पापा को भी भाता टीवी। ठीक है बच्चों, तो अब से आप लोग टीवी देखेंगे, ठीक है, पर उसमें जो शिक्षाप्रद चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा गौर करेंगे। ठीक है, मनोरंजन भी करिए पर साथ साथ में पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी पूरी लाइफ को सेट कर देगी। ठीक है, तो सब बच्चे टीवी देखेंगे पर साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।